नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत ने अंडर 19 विश्व कप का पांचवां खिताब अपने नाम कर लिया है और यजधुल की कप्तानी वाली टीम ने अंग्रेजों को परास्त कर यह कारनामा किया है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया गया और पूरी टीम ने ताबड़तोड़ अंदाज में इस मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की और अंग्रेजों को पस्त कर पांचवां खिताब अपने नाम कर लिया। मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और भारत ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी करते हुए पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को 189 रनों पर ढेर कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका, केवल जेम्स रॉ को छोड़कर, और इसके अलावा कोई बल्लेबाज उस तरीके की पारी नहीं खेल सका। जवाब में भारतीय टीम ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो बेहद ही काबिले तारीफ रहा। भारतीय टीम ने 195 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। हालांकि भारत की भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन उपकप्तान शेख रसीद के शानदार 50 रन और इसके बाद निशांत सिद्धू जिन्होंने 54 गेंदों पर 50 रन बनाए और फिर राजबाबा 54 गेंदों पर 35 रन, और सेमीफाइनल की तरह ही दिनेश बाबा ने फाइनल का भी मुकाबला खत्म किया छक्के के साथ और भारत को पांचवां खिताब जिता दिया, जिसके बाद लगातार इस टीम को बधाइयां मिल रही हैं और लगातार इनके प्रदर्शन की सराहना की जा रही है। वहीं अगर भारत की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो भारत की तरफ से गेंदबाजी करते हुए राजबाबा ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 9.5 ओवर में 1 मिनट 31 रन देकर 5 विकेट लिए। इसके अलावा रवि कुमार ने 9 ओवर में 1 मिनट 34 रन देकर 4 विकेट लिए। इस तरीके से भारत ने यह मुकाबला शानदार तरीके से जीतते हुए पांचवीं बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैन ऑफ द मैच राजबाबा को चुना गया, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज बेबी एबी डेवाल्ड ग्रेविस को चुना गया, जो कि साउथ अफ्रीका टीम के शानदार बल्लेबाज थे। लेकिन भारत ने जिस तरीके से इस पूरे विश्व कप में एक भी मुकाबला नहीं गवाया और फाइनल तक का सफर तय करते हुए अंग्रेजों को परास्त कर जिस तरीके से जीत दर्ज की वो बेहद ही काबिले तारीफ रही। यजधुल के कप्तानी वाली टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी कमेंट करके अपनी शुभकामनाएं अंडर 19 टीम के लिए भेज सकते हैं।